अब अगर आप बोलेंगे तो कंटेम्प्ट हो जाएगा आप पर. हाउ कैन यू स्पीक लाइक दिस. तो आपने ये कर दिया, हमने क्या कर दिया? मैं परमिट. यस बोलिए. कोई एमपी एमएलए कोर्ट से संबंधित था, आपने सेंशन के लिए उधर ऑर्डर दिया था. क्या है, क्या सेंशन के लिए? जी 146(3) में ऑर्डर जो पास हुआ था, 916 आफी किया था, फिर 456 विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम में ऑर्डर हुआ. नहीं हुजूर, एफआईआर लॉजिंग के लिए हमने ऑर्डर दिया था. लोअर कोर्ट से ऑर्डर हुआ था, हम आए थे रिट 916/2017, फिर 454/2021 में 18 में, तो फिर आपने सेंशन के लिए लिखा था, तो फिर हमने सेंशन के लिए दिया, सेंशन एब्सेंट हो गया. और कहाँ है ऑर्डर, कहाँ है? बोलिए. एनेक्सर 2 और 3 कंसर्निंग है. देखें क्या है. So I have, this court has not issued any direction. You said कि आपने direction दिया था sanction वाला. जी हुजूर, तो हमने sanction के लिए लिखा था. No, no, I have not issued any direction. Where is my direction? आगे पढ़िए ना हुजूर. 22 से 12 ऐसा है, आप पढ़ दीजिए मुझे. अगर हम नहीं पढ़ पा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है हुजूर. लास्ट पढ़िए जरा सा. क्या ऑपरेटिव पार्ट है? पढ़िए ऑपरेटिव पार्ट. पढ़िए read the direction part, not the discussions. Read the direction part. Ultimately what the court has held after all discussions. बाईस नंबर पारा में हुजूर कि इन दिस केस ऑफ माता जगह स्पेसिफिक क्वेश्चंस विद हेड एट कंसीडरेशंस बिफोर ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट वाज द वेदर द नीड फॉर सैंक्शन टू बी कंसीडर्ड एज सून एज कंप्लेंट इन लॉस्ट एंड ऑन द एलिगेशंस देयर ऑन कंटेंट क्वेश्चन मार्क इन ऑर्डर द फुल्ली अंडरस्टैंड द व्यू ऑफ एक्सप्रेस्ड बाय द ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट द कोर्ट वुड रिप्रोड्यूस पैराग्राफ 18, 19, 20 सेट जजमेंट एज अंडर. ठीक है हुजूर. और लास्ट में क्योंकि हुजूर वो पेंडिंग था, वहाँ सेशन पेंडिंग था और वहाँ से कंसीडरेशंस के लिए जो 18/10/2018 को ऑर्डर हुआ था कि नहीं आपको जो है सो सेंशन लाना ही लाना है, और उसमें जो जो यहाँ से ऑर्डर गया था 916 का सेशन पेंडिंग में, तो वो एसएचओ जो आप क्लब कर दे रहे हैं. यू आर क्लबिंग टू मैनी केसेस. प्लीज रीड द ऑपरेटिव पार्ट ऑफ दिस ऑर्डर. यू आर स्टिल नॉट रीडिंग द ऑपरेटिव पार्ट. इसमें मतलब जो था वो दोस्तों आप ही का. व्हाई डोंट यू रीड दैट ऑपरेटिव पार्ट? कोर्ट इज आस्किंग यू टू रीड इन योर ऑपरेटिंग पार्ट. वो जो लास्ट पढ़िए ना, लास्ट में क्या कंक्लूजन आया है कोर्ट का? द जजमेंट ऑफ ऑनरेबल कोर्ट इन द केस ऑफ बिनू भाई हरी भाई सुप्रा एज द पिटिशनर. अच्छा, कीपिंग द माइंड द प्रोविजन ऑफ 197 सीआरपीसी एंड फॉर मेंशन जजमेंट ऑफ द ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट द कोर्ट इज अ कंसिडर्ड ओपिनियन द इम्प्यून ऑर्डर इज कंटेंट इन एनेक्सर पी 23 डज नॉट सफर ऑफ एनी लीगल इन्फर्मिटी. राइट पिटिशनर. यू आर सीकिंग प्रोसिक्यूशन ऑफ ए पब्लिक ऑफिसर इन दिस केस? नहीं हुजूर. देन The seeking of the honorable chief minister with a public servant. So that writ application was dismissed by this court. You went to the honorable supreme court. Honorable supreme court is saying not the in the case in pending. I do not interfere this case. So the honorable supreme court did not interfere with the judgment of this court. Ha. Then matter ends there. How can you make a statement in this court that this court had issued direction for sanction and then now what are you looking for? हुजूर हमने सेंशन के लिए लिखा है, ठीक है हुजूर, उसका सेकंड पार्ट में हम जाते हैं. मिस्टर जायसवाल प्लीज टेक इट फ्रॉम मी. इन दिस केस ऑल्सो आई थिंक 2-3 मैटर्स आई हैव हर्ड. प्लीज कम विथ सम गुड केस.
Please come with some good case, the court will definitely consider your grievance. But not the kind of cases with which you are coming. Newspaper report banana ho aapko, naam chhapwana ho akhbar mein, to theek hai, aap karte rahiye ho sab. Lekin is tarah se agar aap court ko indulge karenge, then I don't know, the court will have to take a different view. अब आप क्या चाह रहे हैं इस कोर्ट से बताइए। हुजूर हम इस कोर्ट से चाह रहे हैं कि जो सीजीएम क्या पेंडिंग है, हमने सीजीएम क्या दिया था कि ठीक है सेंसन ऑफ सेंट है आपके यहाँ पेंडिंग है, ठीक है आप इसको कंसीडर कीजिए, तो सीजीएम को रैली करना था कि नहीं, आप हाईकोर्ट गए हुए थे 454 में, आप हाईकोर्ट को डायरेक्शन करेगा तो ही हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो नहीं बढ़ेंगे। तो हाईकोर्ट ने तो डायरेक्शन नहीं दिया ना, हाईकोर्ट ने तो डायरेक्शन नहीं दिया, हाईकोर्ट ने डिसमिस कर दिया आपका रिट एप्लीकेशन। You went to the Honorable Supreme Court. नहीं हुजूर, इसमें हुजूर जो ऑपरेटिंग पार्ट है, जो मेन पार्ट है, उसको तो आपने डिसमिस हुजूर नहीं किया था। क्या क्या लिखा है आलिया में? क्या लिखा है पढ़िए। ठीक है, क्या लिखा है पढ़िए। The writ application has been preferred invoking the extraordinary jurisdiction of the counter court under Article 226 and 227 the Constitution of India with the following prayers. ठीक है, और prayers जो था मेरा हुजूर इंटर आलिया में, वो operating part था उस समय, और उसके बाद हुजूर क्योंकि sanction का एक problem था तो आपने sanction के लिए इसे mention किया। जो आप समझते हैं कि रिट कोर्ट जो है वो डायरेक्शन देगा कि आप सेंक्शन ग्रांट कर दीजिए। सेंक्शन ग्रांट के लिए नहीं हुजूर, कि आप सेंक्शन के लिए लिखे थे कि आपका सेंक्शन जो है इस माता जोग दोबे वाले में जो है, ठीक है आप सेंक्शन आप मांग सकते हैं आप, क्योंकि जो लोअर कोर्ट का जो ऑर्डर था जो SHO जो रिटर्न कर दिया था, ठीक है तो उसी के अगेंस्ट में हम आए थे, हम ये रिटर्न नहीं कर सकता है ये, लेकिन आपने मान लिया उसको कि ठीक आप सेंक्शन के लिए। अब अगर आप बोलेंगे तो कंटेम्प्ट हो जाएगा आप पर, कंटेम्प्ट हो जाएगा, इसलिए कि यू कैन नॉट आर्गू इन दिस कोर्ट अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ दिस कोर्ट ओनली, एंड दैट टू एन ऑर्डर विच हैज ऑलरेडी फेस्ड ए चैलेंज बिफोर द ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, आपने तो वकालत कराया ना। नहीं हम समझ रहे हैं बात, तो आप फिर कैसे, हाउ कैन यू स्पीक लाइक दिस, आपने ये कर दिया। हमने क्या कर दिया, दिस कोर्ट हैज पास्ड एन ऑर्डर आफ्टर हियरिंग यू, that order was taken to a challenge